हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बृहस्पति की कुदृष्टि से बचने के लिए कुछ उपाय बताने जा रही हूँ। वो लोग जिनका जन्म बृहस्पति नक्षत्र में हुआ है और जिनके नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति देव जी हैं, उनको लाभ पाने के लिए अपने नक्षत्र से संबंधित कुछ उपाय अवश्य ही करने चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कौन से हैं वो उपाय जो कर सकते हैं आप। इस नक्षत्र के लोगों को अपने नक्षत्र वाले दिन या बृहस्पतिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर पीले पुष्पों को चढ़ाने से लाभ की प्राप्ति होती है। इसके अलावा ये लोग बृहस्पतिवार वाले दिन और अपने नक्षत्र के दिन पीसी हुई हल्दी को जल में मिलाएं और बाद में उसे पीपल के पेड़ को अर्पित कर दें। ऐसा करने से भी आपको सुखों की अनुभूति अवश्य ही होगी। अपने जन्म नक्षत्र वाले दिन या फिर बृहस्पतिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा शक्कर और कोई मिठाई अवश्य ही अर्पित करें। इसके साथ ही इस नक्षत्र के लोगों को पीपल के पेड़ के कुछ पत्ते लाकर अपने स्नान करने वाले जल में डाल दें। इसके साथ ही इस नक्षत्र के लोग पीपल के पत्तों को लाकर कुछ समय के लिए अपने स्नान करने के जल में डालें और उसके बाद उस पानी से स्नान करें। ऐसा करने से इन्हें उत्तम लाभ प्राप्त होंगे, इनके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और इन्हें सुखों की अनुभूति होगी। पीपल के पेड़ का आप एक और उपाय कर सकते हैं। अपने जन्म नक्षत्र वाले दिन या बृहस्पतिवार के दिन आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपको खुशियों की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि जिन लोगों का जन्म बृहस्पति नक्षत्र में हुआ है, वो लोग बृहस्पति की कुदृष्टि से बचने के लिए कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके और वो भी इस वीडियो से लाभ प्राप्त कर सकें। इसके साथ ही दोस्तों, हमारे नए नए अपलोड्स की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा ताकि आप तक ये जानकारियां पहुंच सकें और आप इनसे लाभ प्राप्त कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।